तो आज ना मैं फिर चली गई मार्केट और आज है जन्माष्टमी। मैंने तो सोचा था कि 27 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ना हमारे यहाँ पे सब लोग 26 को कर रहे हैं, तो इसलिए कहा कि चलो यार 26 को ही करते हैं। अब है तो 2 ही दिन जन्माष्टमी, चाहे 26 को करो 27 को करो फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही है जन्माष्टमी तो दोनों दिन कर सकते हैं, तो मैंने 26 को ही चुना। तो फिर मैं मार्केट चली गई जल्दी जल्दी और फिर यहाँ से कुछ सामान लेना था मुझे। मुझे एक बास्केट चाहिए था बांस का, तो वैसा ही मैं देख रही हूँ कि कहीं तो मिल जाए। तो ये देखो मिल गया मुझे एक फाइनली बास्केट, बहुत प्यारा सा है, तो बहुत क्यूट सा है। अब मैं ना इनको बोल रही थी कि एक छत्र चाहिए मुझे, तो ये छत्र तो दिखा रहे थे लेकिन छत्र जो है ना मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि एकदम सिंपल है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। जब मैं वृंदावन जाऊंगी तो बहुत सुंदर सा एक छत्र लेके आऊंगी। और यहाँ से फिर मेरे को कुछ मिठाई भी लेना है, तो चलो पहले हम मिठाई ले लेते हैं। मैं क्यों आई हूँ अकेली, इसका रीज़न है अभी दोपहर का टाइम है, माधव को लेके मैं मार्केट घूम नहीं सकती और मुझे एक जगह नहीं बहुत जगह जाना है। और मेरे पति को अगर मैं बोलूँ लिस्ट बनाऊँ तो वो घुमा देंगे मुझे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं अकेली ही सब कुछ कर लेती हूँ। फिर मैं घर चली आई, थोड़ा मायके भी गई थी मैं, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद वहाँ से फिर घर चली आई। फिर यहाँ से दिखा रही थी कि क्या क्या लिया है मैंने, इधर एक चुन्नी भी लिया है मैंने राधा रानी के लिए। मैंने ड्रेस तो बनाया है लेकिन ना मैंने चुन्नी नहीं बनाया। फिर मैंने कहा कि चलो यार चुन्नी मैं ख़रीद लूँगी क्यूट सा, तो ये फिर मैंने एक चुन्नी ख़रीदा। और एक मैंने आसन ख़रीदा जिसमें मैं ठाकुर जी को जब जन्म कराऊँगी तब इसमें रखूँगी करके, तो इस तरीके से फिर मैंने रख दिया है। और एक मैंने बास्केट भी लिया है जो आप लोगों ने भी जस्ट देखा। और ये कुछ पेपर लिए हैं, जो पेपर मुझे चाहिए, ये सब पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लकड़ी में लपेटने के लिए। कुछ बलून लेके आई हूँ, कुछ चॉकलेट, कुछ टॉफ़ी और कुछ मिठाई लेके आई हूँ, बस इतना ही है।